इस बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर दो दिन के ईरान दौरे पर थे, जहां उन्होंने कई द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत की। इनमें चबहार बंदरगाह, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर भी शामिल रहा। पुराने दोस्त ईरान के साथ भारत के संबंध तब कुछ खराब हो गए थे जब ईरान के साथ परमाणु समझौते से बाहर निकलकर अमेरिका ने उस पर पाबंदियां लगाई थी। इसके बाद भारत ने ईरान से तेल आयात को काफी हद तक बंद कर दिया था। इसका असर चाबहार बंदरगाह पर भी पड़ा, हालांकि ये प्रोजेक्ट अमेरिका की पाबंदियों से बाहर रखा गया था। भारत की मदद से इस बंदरगाह का विकास हो रहा है। भारत के लिए ये बंदरगाह रणनीतिक और आर्थिक लिहाज से बहुत अहम है और ईरान से अफगानिस्तान और मध्य एशिया के देशों तक इससे पहुंच आसान और सस्ती होती है। चीन के साथ ईरान की बढ़ती नजदीकियां भी भारत के सामने एक चुनौती है। चीन और ईरान 25 साल के एक व्यापक सहयोग समझौते पर दस्तखत पहले ही कर चुके हैं। अमेरिकी पाबंदियों के बावजूद चीन ईरान से तेल खरीदकर उसकी अर्थव्यवस्था को सहारा देता रहा है। इसके अलावा भी ईरान से भारत के रिश्तों के कई आयाम हैं। इस सबके बीच पश्चिम एशिया के हालात पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार ब्रह्म चलानी साहब। मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि पाकिस्तान पर ईरान ने जो हमला किया उस पर लोगों की काफी नजर है। ईरान और पाकिस्तान के बीच की पॉलिटिक्स क्या है और जिस तरीके से भारत सीमा पार आतंकवाद झेलता है, क्या वैसा ही ईरान भी झेल रहा है सीमा पार से पाकिस्तान से? पाकिस्तान के जितने भी पड़ोसी देश हैं, सारों का वही कंप्लेंट है कि पाकिस्तान टेररिज्म का अड्डा बन गया है, पाकिस्तान एक स्टेट स्पॉन्सर है टेररिज्म का, ईरान हो, अफगानिस्तान हो या भारत हो। कई सालों से ये देश वही बात कह रहे हैं कि पाकिस्तान एक बहुत बड़ा बेस बन गया है टेररिस्ट ग्रुप्स का। कम से कम 22 यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ग्रुप्स पाकिस्तान में बेस्ड हैं और सभी जानते हैं कि पाकिस्तान की मिलिट्री का जो नेक्सस है, लिंक है टेररिस्ट ग्रुप्स के साथ, वो बहुत पुराना लिंक है और वो लिंक अभी भी कायम है। पश्चिम एशिया की राजनीति बहुत जटिल है। गाजा पर इजराइल के हमले से बाकी सभी पश्चिम एशियाई देश भड़के हुए हैं, जिनमें ईरान भी शामिल है, लेकिन कल ईरान ने पहले इराक और आज सीरिया पर भी कई ठिकानों पर हमले किए। ईरान को ऐसा करने पर क्यों मजबूर होना पड़ा है? दो बातें, एक तो इन अटैक से ये इंडिकेट होता है कि ईरान का जो कॉन्फिडेंस है काफ़ी हाई है, क्योंकि जिस समय ईरान और अमेरिका का कन्फ्रंटेशन हो रहा है, क्योंकि हूती हो यमन में या हिजबुल्ला हो लेबनान में, ये ईरान के प्रॉक्सीज माने जाते हैं, तो इस समय एक इनडायरेक्ट कन्फ्रंटेशन चल रहा है अमेरिका और ईरान के बीच। और उसी समय ईरान इराक, सीरिया और पाकिस्तान पर मिसाइल स्ट्राइक्स करता है, इससे यही इंडिकेशन मिलता है कि ईरान काफ़ी कॉन्फिडेंट समझता है अपने आप को कि वो इस तरह के डिफरेंट सिनारियोस हैंडल कर सकता है। दूसरी बात यह है कि रिसेंटली ईरान में कुछ काफ़ी बड़े टेररिस्ट अटैक्स हुए जिसमें कई लोग मारे गए, और जो अटैक पाकिस्तान टेरिटरी से हुआ उससे ईरान के जो ईरान के जो सैनिक थे वो मारे गए। और ये पहले बात नहीं हुई है कि पहले बार ही ऐसे नहीं हुआ है। कुछ समय पहले 27 ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर के मेंबर्स पाकिस्तानी टेरिटरी से अटैक हुआ, उसमें वो दे लॉस्ट देयर लाइव्स। तो काफ़ी लंबा रिकॉर्ड है कि जो बलूच सुन्नी एक्सट्रीमिस्ट हैं जो पाकिस्तानी टेरिटरी से ऑपरेट कर रहे हैं, पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट इन टेररिस्ट को प्रोटेक्ट करती है। तो अब जो अटैक हुआ, ये इससे ना एक
साफ मैसेज ईरान भेज रहा है पाकिस्तान को कि अब ईरान का जो टॉलरेंस लिमिट है वो एकदम वहां तक वो ब्रीच हो चुका है और ईरान अपने सेल्फ डिफेंस में एक्शन लेगा, अब लिया है उसने और आगे भी आने वाले समय में भी लेगा। तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी चुनौती है क्योंकि किस तरह से रिस्पॉन्ड करेगा, क्योंकि अगर पाकिस्तान रिस्पॉन्ड करता है कोई भी मिलिट्री एक्शन के थ्रू तो ईरान के तरफ से और स्ट्राइक्स होंगे पाकिस्तानी टेरिटरी पर। ये बात हमें भूलनी नहीं चाहिए कि ईरान की जो मिसाइल क्षमता है और ड्रोन क्षमता वो काफ़ी फॉर्मिडेबल है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और पाकिस्तान के पास इस तरह की ड्रोन और मिसाइल कैपेबिलिटी नहीं है। तो अगर पाकिस्तान कोई रिटेलिएशन करता है ईरान के खिलाफ तो ईरान और मिसाइल स्ट्राइक्स और ड्रोन स्ट्राइक्स के लिए तैयार हो जाएगा पाकिस्तान के खिलाफ। चलनी साहब, दो तीन चीज़ें हैं। ईरान कॉन्फिडेंट है, ईरान ने इराक से पंगा ले लिया, सीरिया से ले लिया, पाकिस्तान पर मिसाइल दाग दी। हम ये भी जानते हैं कि ईरान के कैसे संबंध है हूती रिबल्स के साथ, हूती के साथ। अब हूती और अमेरिका के बीच तनाव चल रहा है, आपको पता ही है अमेरिका ने हूती विद्रोहियों के ठिकानों पर निशाना बनाया है। इन हालात में क्या आपको लगता है कि पश्चिमी एशिया के हालात को सामान्य करने में कितना समय और लग सकता है, क्योंकि हर देश एक दूसरे के खिलाफ खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है आज की तारीख में। जो कुछ गाजा में हो रहा है, जिस स्केल पर हो रहा है, जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस दिखाई दे रहा है गाजा में, और जिस तरह से 2/3 जितनी भी बिल्डिंग्स थी गाजा में वो इजरायली सेना ने डिस्ट्रॉय कर दी हैं, और इसका जो फॉलोआउट हुआ है, जो पॉलिटिकल फॉलोआउट, जिस तरह से दूसरे देश इस डेवलपमेंट के बारे में क्या सोच रहे हैं और क्या उनकी जो पॉलिटिकल प्लानिंग है, मेरे ख्याल से ये जो लड़ाई चल रही है गाजा में इसराइल के तरफ से, इसका जो फॉलोआउट होगा वो मिडल ईस्ट को और डिस्टेबलाइज करेगा, और इस कॉन्फ्लिक्ट से ना तो इसराइल की सिक्योरिटी बढ़ेगी ना तो रीजन की सिक्योरिटी बढ़ेगी, बल्कि ये होगा कि टेंशन्स बढ़ेंगे। और जैसे हम देख रहे हैं इस समय कि कभी अमेरिका अटैक कर रहा है, कभी ईरान अटैक कर रहा है, लगातार तनाव मिडल ईस्ट में बना हुआ है। लेकिन अब मैं भारत के संदर्भ में आपसे पूछना चाहूंगा चलानी साहब, कि पश्चिम एशिया के हालात भारत के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। विदेश मंत्री जयशंकर साहब ईरान के दौरे पर रहे इस हफ्ते की शुरुआत में, भारत कैसे इस इलाके में अपने हितों को बचाने के लिए संतुलन बना सकता है? भारत के जो इंटरेस्ट हैं वेस्ट एशिया में वो काफी गहरे इंटरेस्ट हैं, क्योंकि इंडिया डिपेंडेंट है वेस्ट एशिया पर ऑयल इंपोर्ट्स के, एक ऑयल इंपोर्ट्स एक एग्जांपल है। उसके अलावा मिलियंस ऑफ इंडियंस काम करते हैं वेस्ट एशियन कंट्रीज में, और वो बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स हैं भारत के इकोनॉमी के लिए, क्योंकि वो पैसा भेजते हैं फॉरेन एक्सचेंज भारत को, तो भारत के इकोनॉमी के लिए फॉरेन रेमिटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। मगर अगर टेंशन्स और बढ़ जाते हैं, कॉन्फ्लिक्ट बढ़ जाता है मिडल ईस्ट में, वेस्ट एशिया में, तो इससे भारत के जो ऑयल इंपोर्ट्स हैं, गैस इंपोर्ट्स, वो डिस्टर्ब हो सकते हैं, उससे भारत की इकोनॉमी सफर हो सकती है। तो भारत की सिक्योरिटी के लिए वेस्ट एशिया की स्टेबिलिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत बहुत शुक्रिया चलानी साहब। चुनावी मौसम है, सरकार की भी कोशिश होती है कि पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़ें ताकि वो रियायत दे सके, राहत दे सके अपने तमाम वोटर्स को, हिंदुस्तान के लोगों को। लेकिन अगर वेस्ट एशिया में ऐसी डिस्टर्बेंस रही और अगर दाम क्रूड पर आया, तेलों के दामों पर आया, तो इसका इम्पैक्ट हिंदुस्तान पर भी पड़ेगा और हमारे चुनावों पर भी, जैसा कि कुछ विशेषज्ञ कह रहे हैं।